तेज पाराओल्पियान सह प्रधानमंत्री वर्तमान आलोचना कर जीत सारी तो आलोचना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तो बहुत बड़ी खुशी की बात कि कपिल ने ना ही पैरा जूडो में जबकि एबल जूडो में भी पहला भारत को मेडल दिया है अब तक एबल या पैरा जूडो में कोई मेडल नहीं था और कपिल के नाम एक और हिस्ट्री है कि विजुअली इन एनी गेम का पहला मेडल भी कपिल ने इंडिया को दिया है सो so, हम सब लोग को उसकी बधाई <laughs> हमारे जो जूडो के टॉप शॉट्स हैं वर्ल्ड के उन सब लोगों ने पर्सनली पोडियम से उतर के आके हम लोग को कंग्रेचुलेट किया बोले वी डेंट एक्सपेक्ट सच अ क्विक अपराइज इन पैरा जूडो सो ऑफ टू यू गाइज एंड सर वो हम लोग अकेले नहीं कर सकते थे साई ओ फिनल um, सपोर्ट uh, हम लोग को मिला है एंड ऑफकोर्स द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आई मीन नीडलेस टू से तो सर थैंक यू सो मच एंड जितने और कोचेज हैं यू के यू एस ए जो हम लोग के अच्छे फ्रेंड्स हैं कोरिया वो सब लोग आए बोले वी न्यू यू वर गोइंग अप अहेड बट वी डेंट रियलाइज इज गी सो सुन सो वी फील्ड वेरी प्राउड एंड थैंक यू टू दी एंटायर टीम दैट इज़ बैकिंग साहब थैंक यू सो मच सर बहुत बहुत बधाई मैं संदीप चौधरी जी के लिए के बात कहूँगा गिरते हैं शह सवार ही मैदान जंग में तिफ़ल क्या जो घुटनों के बल चलते हैं तो यह आपने सबको ये बताया जो घुड़सवार होता है वही गिर सकता है बच्चे कभी नहीं गिरते तो मेरा आपके लिए बहुत बड़ी और सर मैं हरविंदर के लिए बताऊंगा शीतल हरविंदर मैं आर्चरी से हूं तो जैसे मैडम ने बताया कि जूडो में हरविंदर का पहला आर्चरी ए एबल और पैरालंपिक में फर्स्ट मेडलिस्ट है टोक्यो में ब्रॉन्ज और अभी हिस्ट्री में फर्स्ट इसका मेडल है जो एबल के बराबर शूट करके है ट्वेंटी एट ट्वेंटी एट ट्वेंटी नाइन लास्ट एयर आपने देखा होगा सर बिल्कुल क्लोज टू था अगर वो टेन लगता तो हम किम वुजिन और अपना ब्रैडी एलिसन के बराबर शूट कर देते नमस्ते सर मेरा नाम अमीशा है और मैं उत्तराखंड से हूँ ये मेरा पहला पैरालंपिक था और मुझे मैं बहुत ग्रेटफुल हूँ कि मुझे दो साल में मैंने अपना गेम स्टार्ट किया है दो साल ही हुए और दो साल में मैंने लाइफ में इतना बड़ा एक्सपीरियंस लिया मुझे बहुत ज़्यादा कुछ सीखने को मिला एंड थैंक यू टू माई कोच जिन्होंने मुझे कॉन्फिडेंस दिया कि मैं कर सकती हूँ क्योंकि मैं बहुत डरी हुई थी तो आपने कहा था कि वहाँ लोगों को ऑब्जर्व करना उनसे लोग डरते होंगे हाँ पहले आप डर रही थी अब लोग डरते होंगे आपने कहा था कि लोगों को ऑब्जर्व वगैरह करना है तो मैंने वो भी बहुत किया और बहुत कुछ सीखने को मिला है परिवार में से क्या रिस्पांस है अब परिवार के तुम्हारे फैमिली के लोग क्या कहते हैं अब तो फैमिली बहुत खुश है और वो पहले से ही सपोर्ट करती थी लेकिन अब और ज्यादा सपोर्ट और ज्यादा दे रहे हैं नमस्ते सर मेरा नाम सुमित अंतिल है, और मैं बैक टू बैक सेकेंड गोल्ड मेडल है सर मेरा मेरे को भी याद है सर जब टोक्यो में गोल्ड लेके आए तो आपने प्रोमिस लिया था कि ऐसे ऐसे दो गोल्ड और चाहिए मेरे को तो ये दूसरा सर आपके लिए है क्योंकि उसके बाद में जैसे जब पैरालंपिक से पहले हम काफ़ी नर्वस थे क्योंकि मैं आर्टिकल्स पढ़ रहा था कि हर तरफ मोस्ट फेवरेट एथलीट जो गोल्ड मेडल को डिफेंड करेगा तो नाम आए थे सर उसमें मेरा भी नाम था पर जब बीस अगस्त को आपसे बात हुई तो वही पल याद आ गया सर टोक्यो वाले कि अब की बार फिर से अच्छा करना है और हमारे साथ में मेरी पूरी टीम है सर मेरे फीजियो मेरे कोच जो आप सभी की तरफ से सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद क्योंकि हमें ये लगता है सर कि मेडल लेके आएंगे तो आपसे मिलेंगे आपसे पर्सनली बात करेंगे तो बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका भाई जैसे हम सारे लोग मोस्टली स्पॉन्सर्ड एथलीट हैं गवर्नमेंट से डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन से तो वहाँ से कभी ना कभी ऐसे प्रेशर आता रहता है कि आपको परफॉर्म करना है ये सारी चीज़ें जब आप बोलते हो कि ए, आप जाओ बस खेलो हाँ जीत हार तो लगी रहती है फिर नीचे वाले ये सब ऐसे लगते हैं यारे देख लेंगे इन्हें क्या जाता है <laughs> जब जा अपने देश का प्रधानमंत्री हमें मोटिवेट कर रहा है तो ये बहुत छोटी चीज़ लगने लगती है लास्ट टाइम सर मैं आपसे बात की थी मैं टोक्यो उतना अच्छा नहीं रहा था मेरा उसमें मेरा एटवं रैंक रही थी फिर मैंने आपसे एक क्वेश्चन पूछा था कि आप जब विदेशी जगह पे जाते हैं आपका एक्सपीरियंस कैसा रहता है आप नर्वस फ़ील करते हैं क्या करते हैं तो जो आपने जवाब दिया था कि आपके साथ आप पूरा देश एज रिप्रेजेंट करते हो तो आपको कॉन्फिडेंस ये सारी चीज़ें तो इन्हीं सब चीज़ों के साथ आज इस बार मैं भी गया था तो सारी चीज़ें हमें ऐसे एकदम कॉन्फिडेंस दे रहे थे <laughs> वो सब लास्ट टाइम जैसा प्रेशर नहीं था मैं अपने आप को कॉन्फिडेंट फील कर रहा था और हमारी टीम ने गवर्नमेंट ने हमारे कोच साहब ने सब लोगों ने बहुत अच्छा सपोर्ट किया और ये कॉम्प कॉम्पिटिशन खेल के सर बहुत मज़ा आया सर थैंक यू सर सर नमस्कार जो मैंने 16 साल से तपस्या की थी और कहीं ना कहीं मेरा स्टूडेंट है धर्मवीर जिसका गोल्ड मेडल आया है हम दोनों आपस में एक दूसरे के कंपटीटर भी हैं और उसको मैं खुद ट्रेनिंग करा के लेके आया तो कहीं ना कहीं आपसे बात हुई थी बीस तारीख को तो ये लगा था कि बहुत पॉजिटिव एक वाइव आई थी कि आपको अपना बेस्ट करना है और एक कोच के लिए इससे बड़ी बात नहीं हो सकती कि हम शायद मैं अकेला ही एथलीट होंगे वर्ल्ड में जो अपने स्टूडेंट के साथ कंपटीशन कर रहा था ग्राउंड में और कहीं ना कहीं मेरी तपस्या सफल हुई सर तरवीर के मेडल से और इसमें बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा सर हम लोगों की टीम में क्योंकि हमारी सबसे सीवियर डिसेबिलिटी है तो साई ने और मिनिस्ट्री ने जो डिसीज़न लिए हम लोगों के सपोर्टिंग स्टाफ में आदमी बढ़ा के वहाँ बल्कि तैतीस का ही रेशो था कि तैतीस ही लोग अंदर रह सकते हैं सपोर्टिंग स्टाफ में तो देवेंद्र भाई जी ने बहुत अच्छा डिसीजन लिया उसको रोटेशन में करते रहे जब हमारे इवेंट आए हमारे लोगों को अंदर ले आए और दूसरे लोगों को बाहर कर दिया तो बहुत अच्छा कम्बिनेशन हुआ उसका और यही फ़ायदा हुआ कि सर हमारे इतने मेडल आए साई का भी जैसे हमारे खाने का था वहाँ इंडियन फूड की बड़ी प्रॉब्लम थी और वेजिटेरियन के लिए बड़ी दिक्कत थी तो साई ने जो अंदर कैंप के कैंप विलेज के अंदर ही जो खाने का अरेंज किया वो इतनी अच्छी हेल्दी डाइट थी कि किसी को भी प्रॉब्लम नहीं आई सर तो बहुत बहुत धन्यवाद सर पूरी टीम का और हम लोगों को इतना मोटिवेशन करने के लिए थैंक यू सो मच एशियन गेम्स में मैं पार्टिसिपेंट रह गई थी मेडल नहीं जीत पाई थी तो जब आप सबसे मिल रहे थे मेडलिस्ट से आगे मिल लिए थे तो आप आए और लाइन uh, से सब जगह पे दोनों तरफ आमने सामने लाइन लगी हुई थी तो कुछ लोगों से यहाँ मिलके आप उस तरफ मुड़ गए थे तो बहुत नज़दीक से मैंने आपको देखा लेकिन मिल नहीं पाई बात नहीं हो पाई तो वो अंदर एक टीस थी कि अब दोबारा तो मिलना ही है <laughs> और उसके लिए मैंने एशियन गेम्स के बाद जान लगा दी थी कि चाहे कुछ भी हो जाए उनसे पर्सनली मिलना ही है तो उससे शायद मुझे इंस्पिरेशन मिली और मैं कर पाई आ, मेरे बच्चों को मैंने छः महीने हो गए मैं मिली नहीं घर ही नहीं गई तो मेरा बेटा छोटा है तो उसे जब भी घुमाने लेके जाती थी मोबाइल में जीपीएस लगा के तो उसे पता है मोबाइल में रास्ता ढूंढ लेते हैं तो वो ऐसे बोलने लग गया मुझे कि मम्मा आप रास्ता ही भूल गए घर का आप जीपीएस में फोन में लगा के घर तो आ जाओ कम कम से सर थैंक यू सो मच आप लोगों का सबका बहुत सपोर्ट रहा है आशीर्वाद रहा है जिसकी वजह से हम लोग कर सके पूरी टीम का सपोर्ट रहा है हमारे कोचेज का तो थैंक यू सो मच सर बहुत बधाई सर मैं शरद कुमार मेरा ये सेकेंड मेडल रहा है मैं थर्ड टाइम से शरद और संदीप दोनों को भाषण करने के लिए बोलूं तो कौन सबसे ज्यादा अच्छा करेगा सर ये <laughs> सर संदीप बहुत अच्छा बोलता है और शायद इसलिए थोड़ा सा पोत रह गया सर बट uh, मैं एज एन एथलीट ये कहना चाहता हूँ कि uh, जब से पैरा मूवमेंट स्टार्ट हुआ है मैं तब से जुड़ा हुआ इससे और आज जिस लेवल पे सारे एथलीट्स हैं मुझे खुद प्राउड फीलिंग होता है इन सबको जिस तरह सब जाते हैं कोचेज फिजियोथेरापिस्ट सब एक टीम जब अब हम लोग बाहर जाते हैं तो इंडिया को अब ऐसे लोग देख रहे हैं कि ये पहले सोचते थे ये आगे आ सकते हैं लेकिन अब पैरा में इन्होंने कैटेगराइज कर दिया कि स्पोर्ट, इंडिया एक स्पोर्टिंग नेशन ऑलरेडी है <laughs> और और सर ये कोर्स साइक की सबसे पहले एमएच से स्टार्ट हुआ और और फिर हम लोग सपोर्ट स्टाफ आने लग गए और एथलीट्स में भी जिस तरह पॉजिटिविटी आया और सर मेन तो एक और है आपसे मिलने और जाने से पहले आप जब सबसे बात करते हो और फिर आने के बाद सबसे मिलते हैं आई थिंक सारे मेडलिस्ट सारे एथलीट यही सोचते हैं कि हमें यही मौका मिल सर लोग पैरा को अभी तक अपनाए नहीं जिस तरह आपने अपनाया है वैसे सर आएम पलक कोहली एंड ये मेरा सेकेंड कंजर्कटिव पैरलम्पिक्स था एंड टोक्यो में मैंने फोर्थ फिनिश किया था एंड यहाँ पे मैंने फिफ्थ फिनिश किया बट uh, दोनों इस पैरालंपिक्स जाने का मेरा जर्नी बिल्कुल ही डिफरेंट था मेरे को आफ्टर टोक्यो पैरालंपिक्स टू जीरो टू टू में सर बोन ट्यूमर हो गया था और स्टेज वन कैंसर हो गया था एंड नियर टू वन एंड हाफ़ ईयर मैंने कोई भी कम्पीट नहीं किया कोई टूर्नामेंट कुछ भी नहीं किया एंड लास्ट ईयर मैंने टू जीरो टू थ्री में कम बैक किया एंड मैं काफ़ी हैप्पी हूँ और काफ़ी प्राउड हूँ कि मेरे सपोर्टिंग स्टाफ मेरे कोचेस गौरव सर के सपोर्ट और गाइडेंस के कारण मैं क्वालिफाई कर पाई पेरिस के लिए एंड uh, मेरे बहुत सारे मेजर टूर्नामेंट्स आफ्टर टोक्यो छूट गए थे वर्ल्ड चैम्पियनशिप्स बिकॉज मेरे को वॉक ओवर देना पड़ा एशियन गेम्स में मुझे कोविड हो गया था इसलिए मैंने वर्ल्ड चैम्पियनशिप क्वालिफ़ाई किया और मैंने ब्रॉन्स मेडल जीता एंड फिर मैंने पैरिस के लिए क्वालिफ़ाई किया बैक टू बैक मेरा वर्ल्ड रैंक एकदम थर्टी एट लास्ट हो गया था बिकॉज मैंने टूर्नामेंट्स नहीं खेले थे एंड अगेन से मैंने अपने आप को टॉप फोर वर्ल्ड नंबर फोर में आई और मैंने पेरिस के लिए क्वालीफाई किया थोड़ा uh, तो डिसअपॉइंटिंग है कि मैं मेडल नहीं जीत पाई बट आपकी ब्लेसिंग्स और सबके साथ आई थिंक आई एम लुकिंग फॉर्वर्ड फॉर एल ए ट्वेंटी एट एंड डेफिनेटली सर आई लाइक टू हैव पिक्चर ऑन द विद यू सर थैंक यू सर अलग पिछली बार तो हम लखनऊ में तुम्हारी ट्रेनिंग हुई थी यस सर यस सर yes, तो और मम्मी पापा से भी मेरी बात हुई थी यस यस सर टोक्यो जाने से पहले इस बार क्या मूड है <laughs> सर अब मैं लखनऊ में गौरव सर यहाँ पर है सर आ, के अंडर ही ट्रेनिंग कर रही हूँ और मैंने उन्हीं के गाइडेंस में मेरे को पैरा बैडमिंटन पता चला था एंड घर में लाइक like, जब मुझे बोन ट्यूमर हो गया था तो काफ़ी सारे लोग लाइक काफ़ी सारे लोग बोल रहे थे कि लेकिन अब पलक का तो करियर ख़त्म स्पोर्ट्स मैन ऑल एंड डॉक्टर्स ने बताया था कि अब हम कुछ एश्योरिटी नहीं दे सकते आप नॉर्मल लाइफ स्टाइल भी हो पाओगे कि नहीं एंड उसके बाद सर काफ़ी कॉम्प्लिकेशनस रहे मेरे को एक डिसेबिलिटी मेरे हाथ में ऑलरेडी था और मेरे को ट्यूमर के बाद मेरे लेग में भी डिसेबिलिटी हो गया जिससे मेरे दोनों लेग लेंथ में भी डिफरेंसेज आ गए और, और भी कॉम्प्लिकेशन आ गए तो मेरी फैमिली हमेशा मुझे खुश देखना चाहती है और उनकी ब्लेसिंग्स है मेरे साथ एंड दे वांट मी टू बी हैप्पी तो उनका बस ये कंसर्न है कि मेरे को हिम्मत नहीं हारनी है देख आप अलग तुम्हारा केस ऐसा है कि तुम बहुत लोगों को इंस्पायर कर सकती हो इसे क्योंकि इतनी कठिनाइयों के बाद और चलिए ट्रैक पर गाड़ी आई जिंदगी बनाई बीच में रुकावट आ गई और बीच में नई समस्या आई और फिर भी तूने अपना मकसद नहीं छोड़ा ये तो बहुत बड़ी बात है बहुत बधाई हो आपको थैंक यू नमस्ते सर मैं राजस्थान बीकानेर से आया हूँ श्याम सुंदर स्वामी नाम है पेरा आर्चरी से हूँ सर हमारे बीकानेर में कन्नी सिंह राजा वो पांच बार ओलंपिक खेल के आए थे हम देवेंद्र भैया से हम बहुत मतलब क्योंकि चालीस साल के बाद मैं एक टोक्यो ओलंपिक में पार्टिसिपेट करके आया था तो भैया को देखा था कि भई गेम होता है ऐसे तो मैं भी फिर पैरा माया में सर पहले एबल खेलता था 2016 में मेरे को पता चला कि भाई पेरा का भी कुछ है क्योंकि भैया का अखबार में फोटो आया था बहुत बड़ा नहीं। नहीं। तो भैया से सीख के और फिर मैं 40 साल के बाद टोक्यो ओलंपिक पार्टिसिपेट करके आया था सर इस बार सर मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला खास करके जो मेरी ही कैटेगरी के गोल्ड मेडल्स एस एल के हैं नितेश कुमार जी इनसे सीखने को मिला सर पूरे लाइफ में जिनसे वो जीते एक बार भी उनसे मैच इससे पहले नहीं जीते थे और उनकी वजह से जबकि मैं उनको हरा चुका कि अगर वो कर सकते हैं तो मैं जरूर उनको दोबारा हरा सकता हूं और इवन पूरे वर्ल्ड में सबको हरा सकता हूं थैंक यू सर मेरा नाम डॉक्टर यदि आपन को हम वीडियो टी भल लगला तबे हम चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करबा को जम्मा भी बोलंत नहीं